मॉडल्स वगैरह को देखते हैं, कुछ एक्टर्स वगैरह को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, इनके जो जॉ लाइन शार्प आपको दिख रही होती है, वो शार्प जॉ लाइन उनकी कोई फेशियल एक्सरसाइज करने से नहीं आई होती। में बहुत सारी चीजें जो आप अभी देख रहे हैं ना, वो सारे ट्रेंड बेस्ड हैं, और ये जो सारे ट्रेंड्स हैं ये टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया जिसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया, वो है कि सर हमें ना जो हमारी जॉ लाइन है उसे शार्प करना है, उसे चिसल्ड बनाना है। अब ऑफकोर्स ये बात है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारी की सारी करंट ट्रेंड में, देखिए अब ऑफकोर्स ये बात है, आज से अगर आप 30 या 40 साल पहले चले जाते हैं और उस समय के अगर आप एक्टर्स देखेंगे, लेट्स हम 60 से स्टार्ट करते हैं, देवानंद वगैरह देखेंगे, या इवेंटली जो शत्रुघ्न सिन्हा हुआ, या यू नो इवन विनोद खन्ना वगैरह हुए, या राजेश खन्ना हुए, उस समय में ये सब चीजें कोई नहीं पूछता था कि हमें रिब्ड सिक्स पैक चाहिए या हमें यू नो चिसल्ड जॉ लाइन चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी कोई चिसल्ड जॉ लाइन नहीं थी, किसी के भी सिक्स पैक्स नहीं थे। धर्मेंद्र या विनोद खन्ना जैसे लोग बहुत फिट थे, कोई सिक्स पैक्स नहीं रखता था, किसी को अपने रिब्ड बॉडी नहीं दिखानी होती थी, और किसी की कोई ऐसे चिसल्ड जॉ लाइन नहीं थी, और ना उस समय की कोई डिमांड थी। और आई एम श्योर अगर उस समय कोई ऐसा इंसान इतना पतला लीन जैसे आजकल टाइगर श्रॉफ वगैरह हैं, अगर ये उस समय जाते तो शायद रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि उस समय की डिमांड अलग थी, उस समय का आउटलुक अलग था। आज की डेट में डिमांड अलग है, आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि कुछ भी कर लो लेकिन इतने श्रिंक हो जाओ, इतने पतले हो जाओ कि कहीं ना कहीं से तुम बिल्कुल चिसल्ड ही लगो। अब चाहे उसके लिए तुम्हारे को एक्सट्रीम मेथड्स अपनाने पड़े, लेकिन फैशन ट्रेंड है, ये आज का इन ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड्स होते हैं, इससे आपकी हेल्थ का या आपकी पर्सनालिटी का कोई लिंक नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या करें, और बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, आप देखेंगे काफी सारे लोग बताते हैं भाई कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस है ये करिए, कुछ फेस योगा होता है, एक्सरसाइजेस होती है फेशियल एक्सरसाइजेस, वो आप करिए, उससे आपकी जॉ लाइन जो है वो चिसल हो जाएगी। कई लोग कोई और टेक्निक बताते हैं, कई बेवकूफ च्युइंगम खाने के लिए भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर चीज है जिसे हम फेशियल एक्सरसाइजेस कहते हैं, इसके ऊपर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं कि ये कहां पे रियली हेल्पफुल है और कहां पे ये चीज जो है वो मिथिकल है। जब हम आपके फेशियल सॉफ्ट टिश्यूज की बात करते हैं तो एक सीरीज ऑफ लेयर्स होती है, ऑफकोर्स स्किन आती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट या एडिपोज टिश्यू आता है, उसके नीचे फिर डीप एडिपोज टिश्यू होता है, फैशिया होता है, ऐसी मल्टीपल लेयर्स होती है। और ये जो पर्टिकुलर लेयर्स हैं, यानी आपकी जो स्किन की सारी लेयर्स हैं, ये एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। और आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जो रिंकल्स हैं या स्किन सैगिंग की प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन होती है, ये एजिंग का एक नॉर्मल इफेक्ट है। मैं इसको साइड इफेक्ट नहीं बोलूंगा, लोग इसे साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि एजिंग जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक प्रोसेस है। तो ये भी एक उसके साथ जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अलग बात है। फेशियल एजिंग के जो साइंस होते हैं उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने के, उनको कम करने के लिए आजकल कमर्शियली बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो मैक्सिमम मेथड्स हैं ये सारे इन्वेसिव मेथड्स हैं, यानी कोई ना कोई इंजेक्शंस के थ्रू या सर्जरी के थ्रू वो ऐसे करेक्शंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो बोटॉक्स होता है यानी बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, उसके इंजेक्शंस होते हैं, केमिकल पीलिंग्स होती हैं, डर्मल फिलर्स होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, फेसलिफ्ट्स हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, मल्टीपल फेशियल सर्जरीज होती हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है ये लोग अप्लाई करते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसको क्या चाहिए, कोई अपने को क्या कैसे देखता है और वो क्या दिखना चाहता है। हाउएवर, एक और जो चीज ट्रेंड में है और डिमांड में है वो ये है कि इन मेथड्स का यूज करे बिना क्या हम जो अपनी फेशियल मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या हम जो हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, या एजिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ऑफकोर्स नॉन इन्वेसिव है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो उसमें ये जो फेशियल योगा होता है, जो फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस रिकमेंड करी जाती है। और ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे फेशियल योगा हम कहते हैं, और आपने देखी भी होंगी, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे लोग अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं कि आईज को ऐसे करना, मुंह खोलना, नेक को स्ट्रेच करना, ये करना, आवाजें निकालना, यू नो ये सारी जो चीजें करते हैं, ये उस फेशियल योगा का या फेशियल एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है, और ये आपकी मसल्स को स्टिमुलेट भी करता है, बिकॉज ऑफकोर्स ही बात है आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्टडीज भी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिस्टमैटिक रिव्यू ने बताया गया कि मल्टीपल स्टडीज के कंक्लूजन के बाद ऐसी कोई भी मेजर बेनिफिट इन एक्सरसाइजेस से आपकी फेशियल एजिंग के ऊपर नहीं देखा गया। कुछ पर्टिकुलर स्टडीज ने यह भी बोला है कि अगर आप ऐसी पर्टिकुलर फेशियल एक्सरसाइजेस करते हैं रेगुलरली, एक पर्टिकुलर समय तक करते हैं, तो यह आपकी फेस और नेक की जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, आपकी फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है,
और फेशियल रिजुवेनेशन में वो हेल्प करता है। कई स्टडीज में ये भी दिखाया गया है कि अगर आपके फेस पे कोई मेजर स्कार है तो ये एक्सरसाइज उन स्कार्स को भी मिनिमाइज करने में हेल्प करें। तो अगर आप मेरे से कंक्लूजन पूछें कि क्या ये एजिंग के साइन में डिले करेगी, आंसर इज बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन तो नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फेशियल एक्सरसाइजेज ही आप बिल्कुल कर सकते हैं और बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, आप बिल्कुल ट्राई करिए अपने ऊपर। एक पर्टिकुलर टाइम तक आप रेगुलर करिए, 15-20 मिनट्स तक, आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टडीज में कुछ ना कुछ लिमिटेड पॉजिटिव सपोर्ट है। हाउएवर, जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता कि इसका बेनिफिट आपकी एजिंग पे या स्किन पे क्या हो रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब इन चीजों को, इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को, एक्सरसाइजेस को, हम जो उनका एक्स बेनिफिट है उसको 10x करके बताते हैं। अब वो 10x क्या हुआ कि कई जगहों पे ऐसी स्टूपिड रिकमेंडेशंस भी लिखी होती है कि भाई ये करिए तो ये तो होगा, साथ साथ आपकी जॉ लाइन शार्प हो जाएगी, आपका फेस फैट कम होने लग जाएगा। ये सारी 100% रॉन्ग और मिसलीडिंग एडवाइजेस हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं और ना ऐसा होता है कि ये एक्सरसाइजेस आपकी जॉ लाइन को शार्प करें या आपके फेस के फैट को कम करें। स्पॉट रिडक्शन का कंसेप्ट आप वैसे भी जानते हैं और फेस के लिए तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड होता है। अगर आपको एक शार्पर जॉ लाइन चाहिए तो उसकी 100% प्रूवन रेमेडी पता है क्या है? अपनी ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज लो करिए, उसे डाउन करिए। जैसी ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन होगा तो फेस का फैट भी कम होगा, क्योंकि जिन लोगों को आप देखते हैं, जैसे मॉडल्स वगैरह को देखते हैं, कुछ एक्टर्स वगैरह को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, इनकी जो जॉ लाइन शार्प आपको दिख रही होती है वो शार्प जॉ लाइन उनकी कोई फेशियल एक्सरसाइज करने से नहीं आई होती, या च्युइंगम खाने से नहीं आई होती है, या कोई और चीज करने से नहीं आती है। वो जॉ लाइन सिंपल आती है बिकॉज वो ओवरऑल बहुत लीन रहते हैं, थिन रहते हैं, काफी तो बहुत पतले होते हैं, क्योंकि मॉडलिंग में वैसे भी आर टू बी वेरी थिन, यू कांट बी वेरी मस्कुलर। ऑन द अदर हैंड अगर आप इवन स्पोर्ट्समैन को देखें, वो आर लीन मस्कुलर, उनकी भी जॉ लाइन शार्प है, क्यों? फैट परसेंटेज उनका बहुत कम होता है, इसलिए वो जॉ लाइन जो है वो शार्प नजर आती है, क्योंकि फेस का फैट भी कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आपको ये भी समझना जरूरी है कि लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू स्टूपिड एडवाइजेस कि ये करके फेस का जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फेस की शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप एडल्ट हो चुके हैं आपकी जो फेस है वो अपनी फॉर्मेशन ले चुका होता है, आपकी जो बोन का स्ट्रक्चर है फेस का आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में जेनेटिकली डिफाइंड होता है कि किस तरह के फेस के साथ आप पैदा होंगे। बाकी जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको सी बात है, वो आप अपने ओवरऑल बॉडी फैट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसे कम करेंगे तो फेस से भी कम होगा और आपकी जॉ लाइन जो है वो नजर आने लगे। लेकिन ये जो स्टूपिड रिकमेंडेशन आप सुन रहे होते हैं ना, ये करने से कर लो जॉ लाइन कम हो जाएगी, ऐसे कर लो जॉ लाइन नहीं होगा, ये सारी गलत और मिसलीडिंग रिकमेंडेशन। सो आई होप आपको फेशियल एक्सरसाइजेस के बेनिफिट समझ में आए होंगे, ओवर हाइप बेनिफिट्स जो है वो गलत समझ में आ गए होंगे कैसे हैं, और क्या चीज एक्चुअली में आपको एक जॉ लाइन विजिबल करने में हेल्प करेगी वो भी समझ में आ गया होगा। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी ए स्टूपिड। हाइट के ऊपर जो मिथ्स हैं और जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हाइट की वजह से क्रिएट करा जाता है ताकि उसके पीछे फॉल्स सामान और चीजें बेची जा सकें, उन सबको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बस्ट करा है, क्लियर करा है। जो मैंने हाइट के ऊपर आज तक की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 12+ वीडियोज हैं और एक कंप्लीट ई बुक लिखी है, उसे जरूर चेक करें। गो टू माई प्लेलिस्ट, चेक द प्लेलिस्ट ऑन हाइट।